सो so, आपसे मैं एक अजीब सा क्वेश्चन पूछूंगा इस लेसन में वट इज़ हेड सर क्या होता है सबका सर है मेरा भी है आपका भी है इट्स कॉल्ड योर हैड बट वाई इज इट कॉल्ड योर हैड बिकॉज दिस इज अ कंपार्टमेंट वेर योर ब्रेन इज स्टोर्ड दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट पीपल सी ये वो पहली चीज़ है आपके जिसम में जो लोग देखते हैं इसी तरह वेबसाइट्स में भी जो चीज सबसे पहले आप देखते हैं उसको हेडर कहा जाता है दैट्स वॉट इज इज अडर हेडर इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एरियाज ऑफ योर वेबसाइट आपकी वेबसाइट का वो एरिया जो कि सबसे वैल्यूएबल है और सबसे ज्यादा विजिबिलिटी रखता है बिकॉज इट इज द फर्स्ट थिंग दैट लोड्स दैट इज कॉल्ड अडर ऑन अ वेबसाइट इट रर्नस अक्रॉस द टॉप ऑफ द पेज आपका पेज जैसे जैसे लोड होगा तो आपके पेज के टॉप पे यू विल सी दिस हेडर एंड इट अपीयर्स ऑन एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट सो वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेडर कि ये हर पेज पे नजर आएगा लाजमी अनलाइक मैनी अदर कॉन्टेंट या अनलाइक काफी और चीजें जो आपकी वेबसाइट पे हैं योर हेडर विल ऑलवेज अपीयर हाँ कुछ केसेस हो सकते हैं जिस तरह आपका कोई सेल्स पेज हो या आपका कोई लैंडिंग पेज हो जिधर आपका हेडर शायद ना नजर आए बट यूजली जस्ट लाइक योर हेड योर हेड अपीयर्स एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम जस्ट लाइक दिस आपका जो वेबसाइट का हेडर है इट विल ऑलवेज अपीयर एवरीवेयर द पर्पज ऑफ योर वेबसाइट ब्रांड एंड टू मेक योर साइट लुक इंस्टेंटली रिकोगनाइजेबल आपका साइट या आपकी जो एक वर्डप्रेस uh, की साइट है दैट्स अ ब्रांड यू वांटेड टू हैव अ कूल लुक एंड फील आप इसकी एक यूनिक सी लुक एंड फील क्रिएट करना चाहते हैं ताकि जब भी आपकी साइट लोड हो तो लोग रिकोगनाइज कर लें कि ये आपकी साइट है इट कुड बी योर साइट एज अंटरप्रनोर इट कुड बी योर साइट एज अ फ्री लांसर और इट कुड बी योर साइट एज अ स्मार्ट वर्कर और इसीलिए हेडर्स में लोगोस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और हेडर्स में जो आपको सबसे पहले एक चीज नजर आएगी लेफ्ट साइड पे दैट इज यूजली अ लोगो फॉर इज़ द परफेक्ट प्लेस टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कन्वे एग्जैक्टली व्हाट योर साइट इज अबाउट एंड व्हाट योर बिजनेस डज और हमने आपको बताया कि जो आपका वेबसाइट हैडर है वर्ड का वो आपके लिए इज दोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज इट कंटेन्स द फर्स्ट थिंग डेट एवरी विजिटर व्यूअर विल सी तो आपने इसका ख्याल रखना है कि आप वेब अपने वेबसाइट के हेडर पर कौन सी चीज़ें दिखाते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं दिखाते सो वॉट अबाउट द वर्ल्ड प्रेस है मेन्यू ऑप्शन विल ओनली वी अवेलेबल अगर आपकी थीम इस ऑप्शन को दिखाना अलाउ करती है ओनली देन इट अलाउज यू टू चूज एन इमेज टू डिस्प्ले इन द हेडर ऑफ योर साइट अगर आपकी वर्ड प्रेस की जो साइट है वो हेडर का एक एरिया अलाउ करती है तो सिर्फ आप उसमें कोई इमेज डाल सकेंगे या कोई चीज़ एडिट कर सकेंगे एंड एवरी थीम हैज इट्स ओन वे ऑफ शोइंग यू दर मेन्यू और वट्स एडिटेबल देयर क्लिकिंग दर मेन्यू ऑप्शन विल टेक यू टू देडर मीडिया पैनल इन द कस्टमाइजर हेडर को आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं? हेडर को आप एक्सेस करेंगे यूजिंग द कस्टमाइजर याद है कस्टमाइजर किधर है? कस्टमाइजर इज अवेलेबल टू यू इन दे अपीयरेंस। या आप अगर हेडर को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली हेडर को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द अपीयरेंस हेडर सेक्शन जो डिफॉल्ट थीम है जिस थीम का नाम है 2017 जो कि मैंने आपको बताया था वर्डप्रेस की एक थीम है उसमें जो कस्टमाइजर पैनल है उसका नाम है हेडर मीडिया क्योंकि वो बोथ इमेजेस और वीडियो को सपोर्ट करता है और इस तरह की थीम्स आपको मिलेंगी जिनमें से कुछ इमेजेस को सपोर्ट करेंगी कुछ हो सकता है इमेजेस को सपोर्ट ना करें कुछ वीडियोस को सपोर्ट करेंगी इट्स ऑन यू टू डिसाइड हाउ यू वांट टू यूज इट एंड व्हाई यू वांट टू यूज इट वी विल आल्सो शो इट टू यू लाइव जब हम आपको लाइव इसका एक ट्रायल कराएंगे Themes, it may be called something else. So, आपने इसका ख्याल रखना है आपने खुद देखना है कि बाकी थीम्स में शायद ये डिफरेंट नाम से हो सो प्लीज बी माइंडफुल ये ना हो कि आप सोचें किडिया नाम से आपको सेक्शन होगा और ढूंढ ढूंढ के उसको आपका दिमाग घूमने लग पड़े सो बी वेरी माइंडफुल एंड बी वेरी क्लियर के थीम के लिहाज सेन इफ यू यूजिंग दीवेंटी थीम दर ऑल्सो सपोर्ट वीडियो क्या आपको पता था कि 2017 थीम में आप हेडर में वीडियो भी डाल सकते हैं दैट्स अनदर अमेजिंग फीचर अगर आपकी वीडियो पहले से डली हुई है तो आप उसको डायरेक्टली वहां से मीडिया लाइब्रेरी से एक्सेस कर सकते हैं या आप एक नई वीडियो अपलोड कर सकते हैं और यू कैन ऑल्सो फाइंड अ यूट्यूब लिंक एंड यू कैन प्लेस दैट ऑन योर हेडर हाउ कूल इज दैट द 2017 थीम ऑन वर्डप्रेस अलाउज यू टू डू दैट जब अपने हेडर की चीज़ों को अपडेट कर लें देन जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड पब्लिश टू टेक इट लाइव सो वी विल गो आर्ट डैशबोर्ड एंड वहाँ से हम जाएंगे अपेरेंस में अब अपेयरेंस में मैं थीम्स पर इसली पहले जा रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू सिलेक्ट द थीम जो कि मैंने अभी तक आपको जिस पे पूरी एक्सरसाइज कराई हैं दैट थीम इज कॉल्ड 2016 सिक्सटीन इट्स ओल्ड थीम सो पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं इसकी हेडर ऑप्शंस को देखते हैं और उसके बाद मैं आपको 2017 की थीम जिसमें ज्यादा फीचर्स हैं वो ट्राई कराऊंगा सो so 2016 जो थीम इस वक्त मेरे पास इंस्टॉल्ड है उसमें आपको हेडर मेन्यू कुछ इस तरह का दिखता है इट हैज द नेम इट हैज अ बंच ऑफ लिंक्स सो इफ आई वॉन्ट टू एडिट में जाके आई गो टू द और अगर मैंने कोई हेडर इमेज डालना है तो एल ट्राई टू ऐड दैट इमेज हेयर एंड सी के सामने क्या फर्क पड़ता है ये जिस तरह एक ब्रिज uh, है बड़ी अच्छी तस्वीर लग रही है बल्कि ब्रिज छोड़ें मुझे ये इस्लामाबाद की पिक्चर बड़ी अच्छी लग रही है आई एल ट्राई टू एड दैट एज है एक जहन में आपकी चीज़ रहे कि हेडर इमेज यू मोस्टली थीम्स एक अलाउ करती हैं सो दैट्स वाई आई सेलेक्ट दिस एंड आई क्रॉप दिस और मैं देखूँगा कि इससे मेरे हेडर पे क्या फ़र्क पड़ा तो so ये देखें यहाँ पे हेडर जो है वो एक नया आ गया है एंड दैट्स दैट डिफाइंस द थीम ऑफ माई वेबसाइट और उसको मैं पब्लिश भी करूँगा और मैं इसको आपको दिखाना भी चाह रहा हूँ कि कितना एक ये ब्यूटिफुल तरीका है अपनी वेबसाइट को शो करने का टू द वर्ल्ड बिकॉज इट काइंड ऑफ शोज अ वेरी यूनिक टच इफ आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद नाउ नाओ माई वेबसाइट विल शो दैट सो दिस इज़ वन वे उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप अगर कोई और एक इमेज डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं और अब आपके पास दो इमेजेस हैं तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं रेंडमाइज अपलोडेड हेडर्स इससे क्या होगा कि रैंडमली एन इमेज विल बी सिलेक्टेड वाइल द पेज इज लोडिंग सो अब देखते हैं कि अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं क्या इमेज चेंज होता है सो सी द इमेज विल चेंज इफ आई क्लिक दिस अगेन अगेन द इमेज शुड रैंडमाइज सो ये एक है एक और काम करते हैं लेट्स गो बैक एंड चेंज द थीम और 2017 की जो थीम है उसको ट्राई करते हैं विच इज अ मच मोर पावरफुल थीम सो ये थीम इंस्टॉल हो गई है हम जाएंगे हेडर में और हम हेडर में जाके उस थीम को अब एडिट करते हैं हेडर मीडिया के ऑप्शन आ रही है आई एल ट्राई टू एड न्यू इमेज अगेन मुझे इस्लामाबाद का इमेज बहुत अच्छा लग रहा है तो ऐसी के इससे मेरी साइट पे क्या फर्क पड़ा सो द साइट नाउ शोज एन इमेज ऑफ इस्लामाबाद